इसका जो रेयर का टायर है वो 100/80 का आपको मिलता है, और यहाँ पे जो टायर है वो आपको मिलता है 90/90 का 18 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है दोनों ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बाइक्स प्रेजेंट है, कि ऑल न्यू हीरो की सुपर स्प्लेंडर का कैनवास एडिशन 2022 मॉडल, और इस साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लैमर का भी फ्रेंड्स कैनवास एडिशन, ये भी बिल्कुल ही लेटेस्ट एडिशन है। तो दोनों ही बाइक्स फ्रेंड्स 125 सीसी सेगमेंट की बजट ऑफरिंग है हीरो कंपनी की तरफ से, काफ़ी अच्छे लुक्स में आपको मिल जाती है दोनों में। यहाँ पे कंपनी आपको काफ़ी कुछ जो है वो अभी न्यू प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपका भी फ्रेंड्स बजट कम था और आपको 125 सीसी सेगमेंट की एक न्यू बाइक लेनी थी, तो आप आज के इस वीडियो को पूरा देख ले, आपकी सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में। तो ग्लैमर का जो कैनवास एडिशन है, इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो जा रहा है 94,439 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऐसे लुक्स में आपको मिल जाता है। और इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग है हमारे एरिया में वो है फ्रेंड्स लगभग में 92,990 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो दोनों मॉडल में लगभग में 2,000-3,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स मतलब देखा जाए तो आपके स्टेट का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट अप्रॉक्स में जो है वो प्राइजेस आपको यही देखने को मिलेगा। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तुलिका हीरो पचम्बा गिरिडीह में, तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोनों ही मॉडल्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है दोनों के लाइटिंग सेटअप में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपको लाइट्स मिलता है वो एलईडी में मिल जाता है, एलईडी में कंपनी डीआरएल्स भी प्रोवाइड कर देती है, और यहाँ पे जो लाइट्स मिलता है वो आपको बल्ब में मिलता है, और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है दोनों में इंडिकेटर्स कंपनी यहाँ पे बल्ब में प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पे मतलब देखा जाए तो लाइटिंग सेटअप के हिसाब से ये आपको ज़्यादा अपडेटेड देखने को मिलता है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है थोड़ा, और लुक्स भी काफ़ी मतलब अच्छा आता है इसका जो लाइट्स है उसका। और फ्रंट से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेगा, और उसमें पूरा प्लेन आपको फेंडर देखने को मिलता है फ्रंट का। और इस साइड से अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा मिल जाता है, दोनों में कंपनी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर देती है CBS, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिख रहा होगा जो कि टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ आ जाता है। और यहाँ पे फ्रंट में जो टायर कंपनी प्रोवाइड करती है वो 80/100 का 18 इंच का आपको प्रोवाइड कर देती है। और अगर हम इसका बात करते हैं तो यहाँ भी फ्रंट में आपको सेम मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक्स विथ रिफ्लेक्टर्स। और अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पे टायर प्रोफाइल के बारे में, तो 80/100 का 18 इंच का आपको यहाँ मिल जाता है। इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लोगो मिलता है बिल्कुल ही न्यू सुपर स्प्लेंडर का, जो कि 3D में दिया है कंपनी ने। प्रोग्राम FI की आपको बैजिंग मिल जाती है, i3S का लोगो मिलेगा, वहाँ पे ग्लैमर का लोगो आपको मिलता है 3D में, और उसमें ग्राफिक्स वर्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाता है ग्राफिक्स में, और यहाँ पे ग्राफिक्स में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्लेन ब्लैक में आती है। और यहाँ पे आपको i3S का लोगो भी मिल जाता है, यहाँ पे हीरो का लोगो आपको मिलता है बिल्कुल ही न्यू 3D में। और बैक लुक कुछ ऐसा आ रहा है दोनों बाइक्स का अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेल लाइट्स के बारे में, तो दोनों में बल्ब में आपको टेल लाइट्स मिलता है, ग्रैब रेल्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ही मिलता है सिंगल पीस में, और रेयर का टायर में आपको डिफरेंसेस मिल जाएगा। इसका जो रेयर का टायर है वो 100/80 का आपको मिलता है, और यहाँ पे जो टायर है वो आपको मिलता है 90/90 का 18 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है दोनों ही। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो टायर है वो आपको ज़्यादा वाइड देखने को मिलता है इसके कंपैरिजन में, और लुक्स कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा है दोनों का बैक से। एग्जॉस्ट दोनों में आपको सेम मिल जाता है, इंजन कंपनी सेम प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे जो सस्पेंशन आपको मिल रहा है वो सिल्वर कलर में मिल रहा है, शॉक एब्जॉर्बर्स जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाता है फ्रेंड्स शॉक एब्जॉर्बर्स, बस कलर चेंज है यहाँ पे रेड कलर में, और ये भी एडजस्टेबल है। बाकी किक दोनों ही बाइक्स में आपको देखने को मिल जाता है, और बैक लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम बात करते हैं दोनों के यहाँ पे टैंक के बारे में, तो टैंक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दूर से कुछ आपको ऐसा मिल जाता है, और काफ़ी मस्कुलर लगता है यहाँ पे ग्लैमर का टैंक अगर आप देखते हैं तो सुपर स्प्लेंडर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो मीटर है वो आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल, जो कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, और यहाँ पे भी आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल। तो दोनों में से यहाँ पे फ्रेंड्स किसी में ब्लूटूथ की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए फ्रेंड्स आपको ग्लैमर में ऑप्शन मिल जाता है एक्सटेक, मतलब यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर में अभी तक एक्सटेक नहीं आया है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपका जो टॉप मॉडल है अभी फिलहाल के लिए यही बनता है यहाँ पे ब्लैक एडिशन, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे डार्क एडिशन, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बट यहाँ पे आपको उतने फीचर्स नहीं मिल पाते हैं जितने कि ग्लैमर एक्सटेक में मिलेगा। तो दोनों ही यहाँ पे लगभग में आपको सिमिलर फीचर्स के साथ आता है, बस यहाँ पे लाइटिंग सेटअप में जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंजन दोनों में ही आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप का मिल जाता है, और मैग्नेट कवर का जो कलर है वो चेंज है, उसमें आपको सिल्वर कलर में मिलता है, यहाँ आपको ब्लैक कलर में कंपनी दे रही है, और ओवरऑल में लुक्स जो है वो कुछ ऐसा आता है। तो प्राइसिंग आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या कुछ आपको प्राइसिंग मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से मॉडल के साथ आपको जाना है। बाकी बात फ्रेंड्स यहाँ पे आपके यूजर्स पे भी डिपेंड करता है, और ओवरऑल में फ्रेंड्स यहाँ पे फीचर्स में भी थोड़ा जो डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे लाइटिंग सेटअप में, जो कि आपको हम सामने से एक बार और दिखा दे रहे हैं। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह और
लगभग मीटर वगैरह यहाँ पे सिमिलर ही फीचर के साथ आता है। तो आज के इस वीडियो में बस यही था, एक छोटा सा यहाँ पे आपको कंपैरिजन देना था दोनों बाइक्स का, दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट की लेटेस्ट ऑफरिंग है। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।